जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम चूरमे के लड्डू बना के उनको परोसते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई है। मेहमान भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। केसरिया बालम पधारो मारे देश। आज हम बनाएंगे राजस्थान का प्रसिद्ध चूरमा और चूरमे के लड्डू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मेहरा और आपका फिर से स्वागत है मेरे किचन में। चूरमा बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, पहले वो हम देख लेते हैं। हम दो तरह का चूरमा बनाएंगे। दोनों ही तरह के चूरमे के अंदर हम तीन तीन बाटी का प्रयोग करेंगे। बाटी की रेसिपी जानने के लिए आई बटन को दबाए। चूरमे के लिए हमने 100 ग्राम घी लिया है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे। 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स लेंगे। 125 ग्राम गुड़ लेंगे। 100 ग्राम शुगर लेंगे, जिसका हम पाउडर बना लेंगे। तो शुरू करते हैं चूरमा बनाना। पुराने समय में लोग बाटियों को तोड़कर उसको पीस कर छन्नी से छान कर फिर उसका चूरमा बनाते थे, मगर हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में इनको पीस कर चूरमा बनाएंगे। बाटियों को हम इस तरह तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। हम दो तरह का चूरमा बनाएंगे। दोनों ही तरह के चूरमे के अंदर हम तीन तीन बाटी का प्रयोग करेंगे। बाटी हमने ग्राइंडर जार में डाल दी है। सबसे पहले ग्राइंडर जार को इसके ऊपर डालेंगे मिक्सर में और इसे ढक देंगे और ग्राइंडर जार को चालू। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गई है हमारी बाटी। ग्राइंड की हुई बाटी हमने एक कटोरी में निकाल ली है। इसी तरह हम दूसरी बाटियों को भी अच्छे से पीस लेंगे। और इसे भी इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। ग्राइंड की हुई बाटी हमने एक कटोरी में निकाल ली है। अब हम चूरमा बनाएंगे। चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई को रखेंगे और इस कढ़ाई में करीब 100 ग्राम घी डालेंगे। जब हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम चूरमा को डालेंगे। हमारा घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम बाटी का चूरमा है वो डाल देंगे। इसमें हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चूरमे से अच्छी सुगंध आ रही है। अब इसमें हम नारियल का बूरा है वो भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को मिला लेंगे और इसे पुनः अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद इसमें हम शुगर डाल देंगे। ये पीसी हुई शुगर है। शुगर को डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हाथों की सहायता से हम लड्डू को बना देंगे। हमारा चूरमा ठंडा हो गया है। हम लेंगे 1 चम्मच के बराबर और दोनों हाथों की सहायता से इसको हम इस तरह से हम लड्डू को बना देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। सभी लड्डुओं को इसी तरह से बना लेंगे। अब हम पारंपरिक तरीके से दूसरी तरह का चूरमा बनाएंगे। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और इसमें करीब 100 ग्राम घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब हम गुड़ को डालेंगे। मैंने 125 ग्राम गुड़ लिया है, इसमें डाल देंगे। जब तक ये सारा गुड़ इसमें घुल नहीं जाता तब तक इसको हम हिलाते रहेंगे। हमारा गुड़ पिघलने लगा है, इसी तरह हम इसको हिलाते रहेंगे। जब हमारा सारा गुड़ पिघल जाएगा तब इसमें हम चूरमे को डालेंगे। हमारा सारा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। तकरीबन 3 मिनट तक हमने गुड़ को पकाया है और गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है। चूरमे को इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा चूरमा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को मिला लेंगे।
इसमें इलायची पाउडर भी मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चूरमा हमारे राजस्थान में पारंपरिक तौर पर बनाया जाता है, मगर शहरों में आजकल शुगर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। राजस्थानी चूरमे में अधिकतर गुड़ का प्रयोग होता है, तो बहुत ही अच्छा चूरमा बनके तैयार हो गया है। इसे हम सीधा ही परोस सकते हैं, चम्मच की सहायता से खाया जा सकता है और इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए इसको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे ताकि हमारे हाथ जले नहीं। हमारा चूरमा ठंडा हो गया है, अब हम लड्डू को बनाएंगे। इस तरह से लड्डू को बना लेंगे और प्लेट के अंदर रख देंगे। सभी लड्डुओं को हम इसी प्रकार से बना लेंगे। हमारे दो तरह के चूरमे के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। मेरे मुंह के अंदर पानी आने लगा है। आज नवरात्रि स्थापना का त्योहार है तो मैंने अपने घर पे बनाए हैं। आप भी किसी भी त्योहार पर अपने घर पे बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही अच्छी मिठाई है, यह शुद्ध और सात्विक मिठाई है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है और राजस्थान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई है। जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम चूरमे के लड्डू बना के उनको परोसते हैं। मेहमान भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। केसरिया बालम पधारो बारे देश। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।